दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल माइनिंग द अर्थ वेल्ट में। आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी ब्लॉक को अपन मीटर में कैसे मेजर किया जाता है, यानी कि किसी भी ब्लॉक को मीटर में उसका कैसे निकालते हैं, कितना मीटर है, इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा कि मैंने बताया ब्लॉक को अपन कैसे टन में मेजर करते हैं, गाड़ी बिना ही कांटे पे गई हुई या बिना ही पत्थर को कांटे पे ले जाए हुए टन कितना टन का वजन हो सकता है इस ब्लॉक में, वो वाला मैंने पिछली बार में वीडियो बताया। इस बार मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपन किसी ब्लॉक को मीटर में कैसे मेजर करते हैं। तो उसके लिए हमें दो चीज़ की आवश्यकता रहती है, एक तो कैलकुलेटर की आवश्यकता और दूसरी रहती है इंच टेप की आवश्यकता। इनके बिना वीडियो नहीं बन, इनके बिना ब्लॉक को अपन मेजर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ इसको अपन मीटर में कैसे मेजर करते हैं, इसके लिए मैं कैल्शियम रख देता हूँ नीचे। और अब आपको बताऊंगा इस वाले ब्लॉक को अपन फीट में मेजर नहीं करके सेंटीमीटर में इसका वजन निकालेंगे, और जो इसको जो इसकी लंबाई चौड़ाई और उनसे निकालेंगे वो सेंटीमीटर में फीट में नहीं करेंगे। और आपको जैसे मालूम है कि एक फीट यानी 30 सेंटीमीटर, एक फीट यानी 30 सेंटीमीटर। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपन सेंटीमीटर में निकालेंगे और मैं आपको इसके माध्यम से बता रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं इसकी क्या लंबाई ले रहा हूँ यानी इसकी लेंथ ले रहा हूँ। इसकी जो लेंथ आ रही है वो 250 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर अपन इसको फीट में नहीं मेजर कर रहे हैं, अपन इसको सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। तो सबसे पहले 250 सेंटीमीटर को अपन लिख लेते हैं कैलकुलेटर में। ये देखिए 250 सेंटीमीटर फीट में नहीं है इनटू, अब मैं इसकी ऊंचे लूंगा। ये आप देख सकते हो इसकी ऊंचे आ रही 200 सेंटीमीटर। इसको एक कैलकुलेटर में अपन लिख देते हैं। सबसे पहले जो लंबाई ली उसका अपन 250 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद 250 सेंटीमीटर इंटू जो इसकी ऊंचे है उसको अपन ने इंटू करेंगे, और वापस एक और इंटू करेंगे, वो करेंगे इसकी चौड़ाई, क्योंकि मैं आपके सामने लेकर बता रहा हूँ। ये देखिए इसकी जो चौड़ाई रहने वाली है वो 136 सेंटीमीटर, 130 + 6 136 सेंटीमीटर। अब मैं इन तीनों को अब लंबाई चौड़ाई ऊंचे तीनों को सेंटीमीटर में लेने के बाद अपन इसको बराबर करेंगे। जो ये कुछ आंकड़ा आपको दिख रहा होगा बहुत सारा आंकड़ा, इसमें क्या है कि जो सबसे पहले जो 6 है ये तो 6 मीटर हो गई, और इसके बाद जो 800 है 6.800 है, यानी 6 मीटर और 800 मिलीमीटर। जैसे आपको पता होगा 1000 मिलीमीटर मिलकर 1 मीटर बनता है। तो इसकी इस ब्लॉक की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचे अपने निकाल के सेंटीमीटर में जो ये आगे आया, इसके बाद सबसे पहले जो डिजिट है पहला जो अक्षर उसके अंदर पॉइंट लगाएंगे 6.800, यानी 6 मीटर और 800 मिलीमीटर। तो दोस्तों आप सबका धन्यवाद, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको इस वाला ब्लॉक ऐसे इस टाइप में ब्लॉक चाहिए जो अपने पास अवेलेबल है, और अलास्का चाहिए या मार्बल किसी भी प्रकार के अगर आपको ब्लॉक चाहिए तो मेरे से संपर्क करें, कमेंट बॉक्स में अपना नंबर लिखकर मुझे भेजिए। धन्यवाद। कर दे किच्छे लाल लाल से।